दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑलवेज इफेक्ट पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 12x36 का साइज हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं और कैसे लैब पर उसे प्रिंट कराते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम कि कैसे 12x36 का साइज हम बनाएंगे और बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम प्रिंट के लिए सेंड करते हैं या भेजते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12x36 का साइज हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप लेते हैं। ये मैंने न्यू साइज लिया है कस्टम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे देन 36 लिख देंगे। यहाँ पे ये आपकी विड्थ हो जाती है और ये आपकी हाइट हो जाती है। ये देखिए इसकी रेजुलेशन आपने रखनी है मैक्सिमम 200 आप रख सकते हैं। 200 रखने के बाद में क्या करना है, आपने इसको क्रिएट कर देना है। ये अभी आपका साइज ऐसे आ गया है, लेकिन अगर हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं इस टाइप से 36x12, यानी कि आपको 36x12 लिखना है नीचे और इसको क्रिएट कर देना है। ये देखिए हमने क्रिएट कर दिया, ये आपका 36x12 का साइज आ गया है टोटल। अब आपने करना क्या है, यहां से इसका मेजरमेंट हम रखते हैं कॉर्नर से। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आप F9 करेंगे और यहां से कॉर्नर से एक पर्स ये खींच के लाएंगे यहाँ पे, और यहां से आप इसका साइज आपका दिख जाएगा आपको। इस तरह कर देता हूं मैं इसको भी, एक्शन और हिस्ट्री को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपका 18 साइज आ गया है। ये देखिए 18x36 आ गया है, यानी कि ये टोटल आपका जो साइज है 36x12 का, इसको 12x36 भी हम बोलते हैं। अब हमने करना क्या है कि किसी भी बैकग्राउंड को लेना है। ये देखिए मैं इस टाइप का बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, ये दूसरा बैकग्राउंड उठाते हैं हम कोई, ये सेम बैकग्राउंड ले लेते हैं हम। इसकी इनकी साड़ी का हमने जैसे कि बैकग्राउंड लेना है इस टाइप का, कंट्रोल सी करेंगे आप इसको या कॉपी करेंगे और उस लेयर पर जाके आपने पेस्ट कर देना है। ये देखिए और क्या करना है, इसको खींच देना है बिल्कुल इस टाइप से। ये देखिए अब इसमें क्या करना है, आर्ट लेते हैं हम, फिल्टर पे आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे करना है आपने ब्लर, गॉसियन ब्लर कर देते हैं। ये देखिए आपका कैसा हो जाएगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा। और कंट्रोल एल करना है आपने इस टाइप से, चाहे तो इसमें गॉसियन ब्लर और भी कर सकते हैं आप, ये और भी ब्लर हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस कीजिए और ये बिल्कुल आपका ब्लर हो जाएगा। F7 कीजिए ताकि आपको लेयर का भी पता लगता रहे कि लेयर आपकी कहाँ जा रही है। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा इनकी, और थोड़ा सा इसको ब्लर कर लीजिए ताकि ये दिखे ना, ठीक है। अब आपका ये क्लियर हो गया है, थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करना है, कॉपी करना है, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी और देन यहाँ पे जाना है और यहाँ पे F9 प्रेस की करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंट्रोल वी कर देना है आपने पेस्ट। ये देखिए आपकी ये एल्बम आ गई है, कंट्रोल एल करेंगे और मैं इन फोटो को यहाँ पे लगा रहा हूँ इस टाइप से। ये देखिए कंट्रोल एल कर रहे हैं हम
और ये इसमें थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट डाल रहे हैं इस टाइप से, ये देखिए। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इरेज कैसे करते हैं, ई प्रेस करते हैं तो आपका इरेजर आ जाता है, ई टूल, यानी कि यहाँ से हम लेते हैं F9। ये देखिए मैं इस टूल पे जा रहा हूँ आपके यहाँ पे E9, ये देखिए इरेजर टूल है ये, ठीक है। इसको आपने कर देना है इरेजर, इरेज कर देना है, ये देखिए इस टाइप से एक फोटो आ गई आपकी इस टाइप से। और यहाँ पे हम रूलर से एक लगा लेते हैं, कंट्रोल आर करके, ये आपका मेजरमेंट रहेगा बीच का, जूम कर लीजिए थोड़ा सा कंट्रोल प्लस माइनस करके इस टाइप से, आपका ये पोर्शन आ गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया इस टाइप से। अब क्या करना है, हमें शेप के थ्रू लेनी है वीडियो, ये मैं शेप बना रहा हूँ इस टाइप से, कलर फिल हो गया ये वाला, इसको चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक कर देते हैं ये, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं ये, कंट्रोल टी हमने किया और ये हमने ये ले लिया, ठीक है। F7 प्रेस कीजिए, आपका ये राउंड शेप आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे स्टाइलिश में, ये देखिए मैंने विंडोज किया है और विंडोज में मैं चला गया हूँ स्टाइलिश में, यहाँ पे, यहाँ पे हमने ये खोल दिया है और इसको हम कर देते हैं इस टाइप से, स्टाइलिश आ गया है, स्टाइलिश में हम गए और इसके चारों तरफ हमने बॉर्डर दे दिया इस टाइप से, ये टाइप से, ये बॉर्डर हमने दे दिया है। इन सबको हम प्रेस कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में, ताकि ये एक साथ नीचे आ जाएं। दोस्तों अडोब फोटोशॉप CC में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है ग्रुप में एक साथ, ये देखिए 1 2 3 4 शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए। अब क्या करना है, हमें अलग अलग फोटोएं डालनी है इसके अंदर। अब फोटो डालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कोई फोटो ओपन करता हूं, ये पेस्ट कर लिया मैंने इसमें, इस टाइप से, चार फोटो मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। आपने करना क्या है, सिंपली इन सबको मैं मास्क कर देता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मास्क कर दिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, मास्क कर दिया, ये देखिए। अब एक फोटो तो आपने लगा ली इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद आपको चार फोटो और लगानी है। यहां पे क्या करेंगे, जिस फोटो को आपने मास्क किया है कुछ नहीं करना आपको, सिंपली सिर्फ F12 प्रेस करना है, ये देखिए यहां पे हम ये फोटो ले लेते हैं, ये वाली, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे खींचेंगे और ये फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी इसमें अंदर, ये देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं, ये इसके अंदर आ गई आपकी,
कंट्रोल एल प्रेस करेंगे हम। दोस्तों मैं कंट्रोल एल प्रेस कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। और कंट्रोल एल का मतलब होता है आपका कि एडजस्टमेंट में जो कमांड होती है ये होती है कंट्रोल एल। ये देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, मैं शॉर्ट कमांड का यूज कर रहा हूँ कंट्रोल एल, यानी कि लेवल्स। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एम कर्व से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम इस पे जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से जो भी फोटो आप चूज करना चाहते हैं यानी कि पसंद करना चाहते हैं इस टाइप से डाल सकते हैं। ये देखिए फोटो आपकी सिंपली इसमें आ गई, कंट्रोल एल प्रेस किया और हमने इस टाइप से कर दिया इसको। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं, सिलेक्ट करना है आपने खाली। कल मैंने आपको कमांड बताई थी एक, वो आपको याद रही होगी। ये देखिए इस टाइप से ले लेते हैं, और ये आपका आ गया है। कंट्रोल एल प्रेस किया हमने और ये दूल्हे का साइज आ गया सीन, और बाकी बचता आपका ये फोटो। इसको क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है नॉर्मली, F12 करना है और यहाँ पे ये हमने प्रेस कर देना है, ये वाला। ये देखिए ये भी आपकी चेंज हो गई है, थोड़ा सा कलर आपका ज़्यादा जा रहा है। ये देखिए ये आपकी फोटो लग गई। अब आप चाहते हैं बैकग्राउंड में ये फोटो लगाना इसका, तो बैकग्राउंड में ले लीजिए इनको। शिफ्ट माइनस प्रेस कीजिए, इरेज कर लेते हैं हम इस फोटो को। ये देखिए ये टोटल आपकी एल्बम का साइज हो गया है। यहाँ से हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर देना तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। आपका ये पूरा का पूरा बॉर्डर है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ए, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई में बॉर्डर। बॉर्डर 10 का हम दे देते हैं, ये देखिए 10 का बॉर्डर हो गया। और यहाँ से सिलेक्ट में जाते हैं, ग्रो करते हैं इस बॉर्डर को, हमने ले लिया है। दोस्तों करना क्या होगा इसके लिए, बॉर्डर के लिए आपको एक अलग लेयर बनानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने एक अलग लेयर इसके लिए बना दिया, जो यहाँ से मैंने क्रिएट की है, इस जगह से, यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बॉर्डर सेम इसी कलर से मिलता जुलता, ये देखिए ये, ठीक है। इसमें हम स्ट्रोक देना चाहें स्ट्रोक दे सकते हैं इस टाइप से, इस तरह। ये आपका पूरा एक एल्बम का 12x36 का पेज आपका तैयार हो गया। मैं रूलर से यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए ये आपका 12x36 का एक साइज पूरा का पूरा तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह कर सकते हैं और फोटोशॉप में डिजाइन बना सकते हैं। मैं इसकी PhD फाइल नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको यूज कीजिए और उस पर काम कीजिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।